दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग अपने यहाँ पर मैकबुक में जो सफारी ब्राउज़र आता है, आप उसमें कैसे प्राइवेट विंडो यानी इनकॉग्निटो टैब को ओपन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सफारी ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ पर तीन तरीके के ब्राउज़र आपको मिलते हैं, मोज़िला, क्रोम और सफारी। बेसिकली यहाँ पर बेस पे आता है सफारी। सफारी का आप लोग कैसे यहाँ पर प्राइवेट विंडो ओपन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो पहले आप लोगों को सफारी को ओपन कर लेना, फिर एक बार उस पर टैप कर देना सफारी पर। एक बार टैप करेंगे हम कर्सर की, जैसे आप देख लीजिए कर्सर मेरा यहाँ पर है। अब कर्सर से टैप करने का, इसके आपको ऊपर ऑप्शन मिलेंगे, चार पांच ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और न्यू प्राइवेट विंडो पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, ये प्राइवेट विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्राइवेट, ये इनकॉग्निटो टैब है सफारी का। आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्राइवेट विंडो ओपन कर सकते हैं सफारी की कुछ इस तरह से। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में न हो तो सब्सक्राइब करने, साथ साथ वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा।